साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजिनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का उस क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं।